already. एक दो तीन चार पाँच छः अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे, आबाद रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। और अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ चाय। आग भी नहीं जा रही, कब से आग जला जला के तंग आ गई। अब देखिए इसका हशर। हाँ जी मैडम। हाँ जी, सुबह सुबह का बोला था, आप अभी खा रही है? नहीं, ये सुबह सुबह है आपके लिए, अभी सुबह हुई है। हाँ। जब बंदा नींद से उठता है ना, ये तब खाने होते हैं। चलो अभी तो कुछ नहीं खाया ना, खाली पेट है जी, फिर खा सकती। वैसे कल से ना जब उठे, नमाज पढ़ के फिर ये खा के फिर काम करना, ठीक हो गया जी? चले जी, लस्सी बन रही है जी। आज जम गया दूध? हाँ जम गया। ये कैसे है ऊपर ये नीचे पानी? ओ लस्सी डाली ना ज़्यादा, पहले नहीं जमया, फिर और लस्सी डाल दे, तो लस्सी में जो पानी होता है ना वो तले बिखर जाता। चलो डाले।
वो तो ऐसे लग रहा है जैसे मक्खन हो पूरे मट्टे मक्खन के भरे है। मक्खन बन गया। माशाल्लाह लस्सी बनाना शुरू। और ये बच्चे क्यों नहीं उठ रहे? पता नहीं, अभी उठा रही हूँ। सो रहा है, पर जाओ हाली। सो रहा है सुकून से। चलो उठा देते हैं। चाय बन जाएगी फिर चाय पी के। लगता है आपको वो दूसरे वाले मधाने जो है ना वो लेनी पड़ेगी। वो जो साथ में क्या होता है उस पे रस्सी फंसा के वो फिर पाँव नहीं रखने पड़ते। ये जो है ना बस काफ़ी बहन में देखते हैं और वही सवाल दूध वाले बर्तन पे पाँव रखते हैं। बताया भी है कई बार कि ये है ही ऐसी ये बनते ही ऐसे है पाँव रख के। वैसे बनती है ना, मैं बता रही हूँ हमारे शहर में ये ऐसे ही चलते हैं। अब जो चीज़ जैसे बनाई गई है वैसे इस्तेमाल होगी ना। अब जो जिसने बनाई है ये लकड़ी वाली चीज़ें वो उसने पाँव ही रखने का बोला है, यहाँ पाँव रख के बनेगी या तो फिर बनाने वाले को अक्कल होती। तो फिर उसने और पुराना रिवाज किए तो अलीपुर में अपने शहर में तो दूसरे होते भी नहीं, सब यही बने होते। जिससे चाहो बिजली वाले हम बने तो बिजली जैसे घर है तो बिजली वाले लेते ना तो जब कही है चलते जैसे हम बना रहे हैं। और मैंने कहा वो साइंसदान जो है ना बनाने वाले अब उन्होंने और चीज़ ईजाद की है, लेकिन हम तो पुराने रिवाज पर चल रहे हैं। अब वो नए लेंगे इंशाल्लाह, जो कि पाँव नहीं रखना पड़ेगा और मट्टी भी वो लेंगे बड़े वाले। चलो मैं बच्चों को उठा दूँ। हाँ जी बच्चों। ओए पुत्र सारा दिन तेरे साया और के सोए हुए हैं। सबसे पहले जो इसको जो है उठाते हैं कौन है? इधर तो हसीब है। हसीब पुत्र उठ जाओ उठ जाओ। सूरज देखो कहाँ पहुँच गया है। उठ जाओ, अब राय की कटाई करने जाना है। कमरान पुत्र कमरान उठ जाओ बेटा, राय की कटाई। सूरज कितना पहुंच गया है। ओ मुनीब पुत्र बेटा आंखें खोलो। मुझे चेहरा दिखाओगे तो पता चलेगा। हाँ जी अब उठो। और किसने जाना है बकरियों के साथ आज? आप फिर वो दो जाएंगे रह कटने। चलो उठ जाओ पुत्र, आपकी बारी है कमरान और हसीब की। और फरमान भाई को भी उठाते हैं। फरमान भाई, फरमान भाई लगता है कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ चलाई हुई है। हाँ जी उठ जाओ यारा, कहाँ सूरज पहुँच चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह उठे हुए हैं, बस वो कॉल वॉइस वो सुन रहे। अच्छा ये वॉइस सुन रहे हैं। हाँ जी चलो उठे हैं, जितना जल्दी हो ना जल्दी उठा करें। ठीक हो गया? हाँ जी। लस्सी हमारी बन गई है और काफ़ी देर लगी है क्योंकि अभी गर्मियाँ नहीं आई ना तो ये ठंडी हो जाती है।
हाँ जी अब ये मक्खन ऊपर ऊपर से आ गया ऊपर ऊपर से आ गया अब निकालेंगे मक्खन हाँ जी रोटी बन गई शुरू कर दे हाँ जी आटा तो रखा हुआ नहीं है यहाँ से पेड़े बना के ले जाते हैं उधर नहीं रोटी रात वाली बची हुई थी तो उसे गर्म कर दी अच्छी बात है रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए और ये सब गरम करके घी लगा के सबको ये देनी है आज ताजे नहीं बनानी ठीक है अब ये खाएंगे तो आटे की बचत होगी आटे की बचत होगी तो वो एक टाइम का खाना बन जाएगा जी हाँ जी उठ गए हो यारा नाश्ता कर रहे हैं फिर काम पर जाएंगे चलो खा लो खा लो ये है जी मक्खन जो कि थोड़ा सा डाउट में आ रहा है सही से जमा नहीं था दूध इसीलिए इसकी शक्ल देखे कैसी हो गई है खालस मक्खन नहीं बना लगता है खालस के मक्खन तो खालस है जरी पतला है अब इसको क्यों रखा हुआ है ओ जकिया डोलू लेके आएगी तो लस्सी पाऊंगी उन्हें मैं ये पीता हूँ दे दे सलमान भाई को दे दे और गिलास नहीं है ये गिलास नहीं है क्या अजीब आदमी हो दूध निकालने आए हैं हमें बिस्मिल्लाह से निकालेंगे अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वाओ नाश्ता हाँ जी और इसको गरम भी नहीं किया आपने सालन को हाँ जी रोटी गरम है रोटी तो रख दिया गरम हो जाएगा जल्दी है ना राया काटना है बस जद जिद और आ गया हाँ। रोटी गरम करके सालन ऊपर रख दो हाँ जी फिर सब कुछ गरम हो जाएगा अभी तो जमा हुआ है नहीं गरम हो गया ये ठीक है जो आपने रोटी के ऊपर रखा है ना ये सही है अच्छी बात है रोटी के रख दिया तले तो नहीं रखी है आजकल जो है ना तरक्की कर गए हैं दुनिया वाले तो क्या कहते हैं बर्तन इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये जो है ना पुराना रस्म रिवाज ये ठीक सही है
ये जी कवे आए हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह कवे आए हुए हैं सुबह सुबह। वो देखे दरख्तों के ऊपर नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये लड़ते भी हैं परिंदे। अभी इनका झगड़ा हुआ ना, कां 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 की आवाजें होंगी सारी। चलो मजे करो। मैडम साहबा ने नाश्ता पानी करके ना फिर अभी हमारे बारे में सोचा है। भूख लग रही थी, मैंने खा लिया तो फिर आटा गूंद के आपकी और फरमान भाई की अब्बू की रोटी बना रही हूँ। आप भी नाश्ता कर लें, मैंने वो नाश्ता दे दिया है गर्मा गर्म। हाँ गर्म गर्म नाश्ता कर लें, और जिस बहन भाई को नाश्ता करना है वो आ जाए। तो फिर आटा रख देना, वो आए तो उसे ताजे बना देना। नहीं दोबारा आटा गूंद लेंगे जब आएंगे ना, दोबारा आटा भी गूंद लेंगे और रोटी भी बना लेंगे। ये रही जी रोटी। चलो सही हो गया। ओके आप नाश्ता करें। चला सारे घर के काम जो है मैंने कर लिया है, और अभी आई हूँ मवेशियों के पास। ये गोबर भी उठाती हूँ और इसमें ये पानी भरने के लिए टूब डाल दिया है, और जब पानी भरेगा तो फिर जानवरों को पानी भी पिलाऊंगी। और अभी जो है गोबर उठा रही हूँ